एक बार एक व्यक्ति 24 जनवरी के दिन झंडा खरीदने के लिए गया। उसने झंडे वाले से उसकी कीमत पूछी। झंडे वाले ने कहा 100 रुपए का एक। व्यक्ति बोला इतना महंगा, और फिर उसने 100 रुपए देकर उस झंडे वाले से झंडा खरीद लिया। अगले दिन 25 जनवरी को एक लड़के ने उस झंडे वाले से झंडे की कीमत पूछी। झंडे वाले ने उसे कहा 200 रुपए। लड़के ने थोड़ा सोचा और फिर उसे 200 रुपए देकर उस झंडे वाले से झंडा खरीद लिया। फिर 26 जनवरी के दिन उस झंडे वाले ने झंडे को 500 में बेचा। और लड़की ने खुशी खुशी 500 में झंडा खरीद लिया। और अगले ही दिन 27 जनवरी को वो उन झंडों को 20-20 रुपए में बेच रहा था। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो इसे 100 रुपए में खरीदा था, और दूसरे ने कहा मैंने 200, और तीसरे ने कहा मैंने 500 रुपए में खरीदा था, और 27 को उन्होंने झंडे वाले से झंडा 20 रुपए में खरीदा। तो दोस्तों कमेंट में बताओ कि क्या ये ऐसा होना चाहिए।